ये भाई ऐसे नजारे आपको भाई इंटीरियर सीन में देखने को मिलते हैं। और भाई अगर कोई तीनों एक साथ देगा क्या पैकेज है पूरा, ये पड़े क्या था ताल्लुक है सुबह सिंह से, इसका ताल्लुक है भाई दूध में। अगर मैं ये बोलूं इस टाइम जितनी भी भाई सुबह सिंह की ब्रीड है उस गड्ढा दिखाया मुनीर भाई इस बकरी का चड्डे का माशाल्लाह यार बकरी का कोई जवाब। कोशिश करता हूँ जितना हो सके आप लोगों को डिटेल मुंदी भाई अलग अलग पैसे बता दे। ये सिर्फ और सिर्फ शौकीनों भाई 65,000 रुपए में आपको बकरी दे देंगे, 10 से 15 दिन में बच्चे देगी मुनीर भाई। चड्डा दिखा दे मुनीर भाई, थोड़ा चड्डा दिखा ही दे यार, क्योंकि शौकीन बोलते हैं सवादी भाई चड्डा भी दिखा दिया करो। जातन का क्रास है ये देख ले भाई, अभी आपको मैंने एक प्योर जातन दिखाया। देखिए कैमरे पे चीज का समझ नहीं आती, मैं हमेशा एक चीज कहता हूँ कि आप लोग मौके पर आके चीज को देख लिया करें। तो पहली माचल से मैंने जंबो साइज का ब्रीडर माचल भाई, जंबो साइज की मैंने बकरियां निकलवा दी है, असली और नस्ली ब्रीडिंग सेटअप और असली और नस्ली बकरियां चाहिए तो आपको पता है कराची में सिर्फ और सिर्फ मिलती है भाई मुनीर गुड फार्म पे। और मुनीर भाई मेरे साथ मुझे मुनीर भाई क्या ठीक ठाक है? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है, आप सुनाएं? मैं भी ठीक ठाक। मुनीर भाई पिछली वीडियो का क्या रिस्पॉन्स रहा है? शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा करम है, जबरदस्त हो गया भाई। जो ब्रीडर वगैरह दिखाए थे अल्हम्दुलिल्लाह भाई सारे सोल्ड आउट हो गए थे। सबसे पहले आप चौकीनों का शुक्रिया जो भाई इतनी मोहब्बत दिखाते हैं मुनीर गुड फार्म की वीडियो पे। मुनीर भाई पहला जो आपने जंबो साइज का ब्रीडर निकलवा रहे दांतों में क्या इस टाइम पे? दांतों में अभी ताजा छे हुआ है और एक नंबर काम हो रही है। ये देख ले भाई दांतों के अंदर भाई ताजा छे हुआ है, चेहरा देख ले, कानों की लेंथ देख ले, और मजे की बात है कमजोर नहीं है, अच्छा माशाल्लाह भाई खाता पीता ब्रीडर है। हाइट लेंथ में कम अज कम भी अगर इसकी मैं हाइट का अंदाजा लगाऊं, मुनीर भाई आपकी हाइट कितनी होगी? 6 फीट हो आप तकरीबन? तकरीबन भाई 6 फीट अगर मैं बोलूँ मुनीर भाई के भाई, मैं कहता हूँ कंधे से भी माशाल्लाह से भाई ऊपर आ रहे हैं। और साथ में बकरियों की क्या डिटेल है? ये दोनों गबन तैयारी पे स्वाद भाई, इसका पहला सुआ है, इसका है दूसरा सुआ, इसी ब्रीडर से क्रॉस है? जी हाँ, एक ही मालिक से आई है। ये देख ले भाई इसका माशाल्लाह भाई पहला सुआ मतलब भाई जवान बकरी है जो भाई अपना ब्रीडिंग सेटअप स्टार्ट करना चाहते हैं। जो कहते हैं सवाती भाई अपनी छतों पे अपने फार्म पे ब्रीडिंग सेटअप, तो उनको भाई ये मैं रिकमेंड करता हूँ। ये देखिए अभी माशाल्लाह भाई सारा माल खाता पीता भाई दिखा भी दो गंदुम भाई। एक बात ऐड करना चाहूंगा, अक्सर लोग कहते हैं सवाती भाई यार दूध की पैदावार देखें, अभी ये गबन बकरियां, गबन बकरियों को भाई जितना इनका इम्यून सिस्टम अंदर से ये स्ट्रांग होगी बच्चे देने में उतनी भाई फायदेमंद। तो जो मैंने आपको वंडर रिकमेंड किया वंडे वाले का नंबर ऊपर चल रहा है भाई, आप मंगवा सकते हैं। अलग अलग पैसे हैं या पूरा पेयर है? अलग अलग लेना चाहेंगे तो अलग भी दे देंगे, पेयर लेना चाहेगा उसको अलग अलग पैसे बताएं। सर ये पड़ेगा 1,60,000 रुपए का, सही है रेट बिल्कुल फाइनल है। ये दोनों 70,000 की, ये देख ले भाई 70,000 रुपए में शौकीन भाई आपको ये बकरियां दे देंगे। आप थोड़ा छोड़े यार प्यार को, आप लोग सारे हट जाए ताकि भाई प्यार एक उधर छोड़ दो ताकि मैं प्यार की एक मस्तियां भी दिखा दूं। ये देखिए भाई, ये भाई ऐसे नजारे आपको भाई इंटीरियर सीन में देखने को मिलते हैं। और भाई अगर कोई तीनों एक साथ देगा क्या पैकेज है पूरा? ये पड़ेंगे 3 लाख रुपए के। चले भाई अगर भाई तीनों कोई एक साथ देगा तो माशाल्लाह भाई ब्रीडर भी वहां कर दो, 3 लाख रुपए में शौकीनों भाई आपको ये तीनों माल दे देंगे जिसमें भाई 70,000 की बकरियां पड़ जाएंगी 1,60,000 का। और डिलीवरी का क्या सिलसिला है? डिलीवरी फ्री है। ये दिखा थोड़ा छोड़ दो छोड़ दो, बोलते हैं पंजाब में या बलोचिस्तान में फ्री करो तो ऐसा नहीं होगा। चले भाई पंजाब साइड भाई डिलीवरी शिलीवरी फ्री नहीं है तेरे भाई, कराची के अंदर भाई डिलीवरी फ्री है। प्यार माशाल्लाह देख ले भाई, थोड़ा चलाओ चलाओ ताकि भाई थोड़ा चाल उधर चलाओ इनकी यार। ये देख ले तीनों अगर कोई भाई लेगा तो भाई 3 लाख रुपए में शौकीनों भाई आपको पड़ जाएगा, जिसमें 1 माशाल्लाह भाई ब्रीडर है, 2 माशाल्लाह से भाई बकरी है। थोड़ा उधर चलाओ ना दोस्त, उधर थोड़ा चलाओ, जैसे नहीं होता इंटीरियर सीन में जो भाई रेवड़ वगैरह पूरे चल रहे होते। आप देखिए ये देखिए भाई अपना शौकीनों पूरा भाई ब्रीडिंग सेटअप स्टार्ट करें, मजीद माल भी दिखाता हूँ। आप माशाल्लाह से भाई मैंने गुलाबी बकरी के जोड़ा निकलवा दिया माशाल्लाह माशाल्लाह, नजरे बस से बचाए। सबसे पहले ये बताएं ये बकरियां दांतों में क्या और ब्याह कौन सा है? स्वादी में ब्याज में दूसरे ब्याज पे दांतों में पक्की चार है। ये देखिए भाई दांतों में माशाल्लाह भाई पक्की चार है, चेहरा देख लें, कानों की लेंथ देख लें, जब चीज को लेने है तो तसल्ली से भाई चीज को चेक करिएगा। ब्याज इनका दूसरा है जबरदस्त हो गया भाई। तो मैं चला फिरा के बकरियों को दिखा दूं, मैं चला फिरा के दिखा दिया करूं ताकि भाई मैं एक ही वीडियो के अंदर मैं कोशिश करता हूँ जितना हो सके आप लोगों को डिटेल मुंदी भाई अलग अलग पैसे बता दे। ये 75 की पड़ेंगे। ये देखिए भाई 75,000 रुपए में शौकीनों भाई आपको ये बकरियां पड़ जाएंगी, जंबो साइज की माशाल्लाह बकरियां। और अगर इन्होंने ऐसा ही अपनी नस्ल के ऊपर बच्चा लेकर आ गई तो क्या कहते कीमत क्या होगी इनकी? कीमत तो बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी। ये देख ले भाई, देखें एक बात ऐड करना चाहूंगा, अच्छा मुनीर भाई जैसी ये बकरियां होती हैं पीछे ब्रीडर भी इनके ऐसे ही होते हैं? बिल्कुल ऐसे ही ब्रीडर होते हैं, क्योंकि ये जो गुलाबी का शौकीन है उसके पास गुलाबी का सेटअप है, जो पटेरी का शौकीन है उसके पास पटेरी का सेटअप है, तो दूसरे का चांस ही नहीं है नस्ल का लगने का। चले भाई जिससे लाया उसके पास सिर्फ गुलाबी है। ये देख ले भाई ये पूरे देखें एक जो रेवड़ चल रहे होते हैं ना इंटीरियर सीन में, जहाँ भाई गुलाबी गुलाबी होती तो भाई उनमें से ये भाई बकरियां निकाल के लाते तो भाई क्रॉसिंग का कोई वही नहीं है। तो भाई चला फिरा के दिखा दो, अच्छी माशाल्लाह भाई जंबो साइज की बकरी है। और आज तो माशाल्लाह भाई जिसको दूध के हवाले से बकरी चाहिए थी आज तो ऐसी बकरी आएगी दूध के हवाले से, इंशाल्लाह वो आप शौकीनों को दिखाता हूँ। जो कहते हैं सवाती भाई यार दूध के हवाले से कोई बकरी दिखा दे, दूध के हवाले से कोई बकरी दिखा दे, तो सबसे
पहले ये बता आज कौन सी बकरी आ गई है? ये जातन माशाल्लाह। ये देख ले भाई, जातन बकरी माशाल्लाह से भाई आ गई। और जातन बकरी का ताल्लुक है सूबा सिंध से, इसका ताल्लुक है भाई दूध में। अगर मैं ये बोलूं इस टाइम जितनी भी भाई सूबा सिंध की ब्रीड है उसमें सबसे जो अव्वल दर्जे पे वो भाई जातन का नाम आता है। ये बताए सबसे पहले ये असल जातन है? एक नंबर जातन है सादी भाई। और जातन की मैं क्वालिटी भी बताता हूँ, उसके कान छोटे होंगे, सही है, चेहरा गोल डी शेप होगा, सही हो गया, और गर्दन लंबी होगी, ठीक, ऊंट की होती है, सही है, और बकरियों के इसकी गर्दन लंबी है, वो देखने वालों को भी नजर आ रहा होगा। और क्या पॉइंट होते हैं इसमें? ये इसके कलर, दो कलर होते हैं ओरिजिनल के, एक ये होता है एक गोरी कलर में होता है, हल्का लाल कलर नहीं होता है जो, सही हो गया भाई। देखिए भाई जातन के भाई जो जो प्रिंट होते हैं, जो जो क्वालिटी होती है, जो इसको दूसरी बकरियों से मुनफरिद करती है, तो भाई चला फिरा के घुमा फिरा के दिखा दो, दांतों में क्या और ब्याज कौन सा है? दांतों में ये पक्की चार है, ब्याज इसका दूसरा है, और दूध के अंदर तो मैं बोलता हूँ इसके टक्कर की कोई बकरी नहीं है, पक्की बात है। मेन होती है खिलाई, जो खिलाई करेगा उसके पास समझो इंशाल्लाह दूध की कमी नहीं होगी। फिर भी एक अंदाजा, क्या रिकॉर्ड इनका एक बकरियों का, कम से कम कितना देती है बकरियां? ये ऐसी बकरी है 5 किलो 4 किलो भी दूध देती है, मैं नहीं बोलूंगा ये भी देगी, पर इंशाल्लाह 2 किलो तो देने चाहिए इसको, जैसी ये नस्ल है, नस्ल है, कम से कम 2 किलो तो। चले भाई एक बात ऐड करना चाहूंगा, जातन बकरी दूध में कैसी होती है कैसी नहीं होती वो इंशाल्लाह भाई आप लोग जरा नेट पे सर्च करें, जो हमारे असली और नस्ली शौकीन है जरा वो कमेंट करके बताएं, ये जो जातन बकरी होती है ये मैक्सिमम भाई कितना दूध देती है। एक बात ऐड करना चाहूंगा, खिलाई पिलाई बहुत ज्यादा मैटर करती है, और खिलाई पिलाई के हवाले जो मैंने दूध की पैदावार के लिए वंडा बताया वो आप इस पे चलाएंगे फायदा होगा, बिल्कुल जायज जायज पैसे पड़ेगी 90,000। ये देख ले भाई 90,000 में शौकीन भाई आपको पड़ जाएगी मिनिमम मुनीर भाई के बकौल के 2 किलो तो भाई इसको दूध देना चाहिए, ये हक रखती है, लेकिन खिलाई पिलाई क्या कहते हैं मुनीर भाई? बिल्कुल, हम गारंटी नहीं देंगे, जानवर है, जानवर का कोई भरोसा नहीं है, पर ये नस्ल दूध की है, ये दूध की है हवाले से लोग लेते हैं, हाँ, दूध के हवाले से, मशहूरी दूध के लिहाज से जबरदस्त हो गया। तो चला फिरा के भाई बकरी को दिखा दो, अच्छी बकरी है माशाल्लाह भाई, जातन बकरी दोनों भाई, चड्डा दिखा देता हूं, चड्डा भी इसका, चले भाई चड्डा दिखा देते हैं क्योंकि हम दूध की बात कर रहे हैं। ये सिर्फ चड्डा इसका नहीं रहेगा, ये चड्डा बढ़ाएगी, और ये गुंजाइश आप देख रहे हैं ना, ये देखें अभी कितना टाइम है, अभी इसमें तकरीबन 10 से 15 दिन है, 10 से 15 दिन है, ये चड्डा देखें, इसमें ये जो गेब है ना ये अभी चड्डे को खोलेगी, ये देख ले भाई चड्डे की भाई पोजीशन आप लोगों के सामने, और ब्याज इसका कौन सा स्टैम्प है? दूसरे ब्याज में माशाल्लाह भाई, अभी मजीद चड्डा ये खोलेगी, और भाई बकरी 2-3 ब्याज के बाद ही वो जो कहते हैं ना अपने असल जोबन पे आती है, क्या कहते हैं? अच्छा मुनीर भाई क्या पैसे बोले आपने इसके? 90,000 में शौकीन भाई आपको दे देंगे, डिलीवरी पूरे कराची फ्री है। अच्छा आपकी बच्चों वाली बकरी नहीं अपने पास? जी हाँ बच्चों वाली भी है माशाल्लाह। चले भाई बच्चों वाली बकरी का भी शौकीनों शौक करवा दो। सवाती भाई यार हमें गबन बकरियां ना दिखाएं, हमें दिखाएं भाई कुछ शौक वाली बकरियां, और साथ में नीचे बच्चे उसके, तो माशाल्लाह भाई मैंने 2 बच्चों के साथ निकलवा दिए, अब लग के अंदर बच्चे नर मादी के, ये दोनों फीमेल है मादी, ये देख ले भाई दोनों फीमेल है माशाल्लाह से। ये बताएं बकरी दांतों में क्या और ब्याज कौन सा है? ब्याज सवाती भाई दूसरा है, दांतों में पक्की 4 है, करीब 6 होने वाली है। चल इसका जो चड्डा है, चड्डे का कोई जवाब नहीं है मुनीर भाई, दूध में कैसी है ये? यार दूध में अच्छी ही होगी बकरी, क्योंकि ऐसा चड्डा हर बकरी का नहीं होता है, बाकी गारंटी हम इसलिए नहीं देते, लोग खिला दे पिला दे नहीं बोलते हैं दूध हमें चाहिए, ये देख यार अभी देखे माशाल्लाह चड्डा दिखाया मुनीर भाई इस बकरी का, चड्डे का माशाल्लाह यार बकरी का कोई जवाब नहीं है माशाल्लाह से, जबरदस्त हो गया यार। कम से कम अपने अंदाजे के, मैं गारंटी नहीं मांग रहा, अंदाजे में कितना होगा इसके नीचे दूध? बच्चों को पिलाने के बाद भी किलो दे सकती है। अच्छा टाइम का ये खिलाई पिलाई में थोड़ा भाई चला फिरा के दिखा दो, जो कहते हैं सवाती भाई बच्चे भी हो और भाई दूध में भी भाई बकरी अच्छी हो, तो चड्डा भाई आप लोगों के खुद सामने माशाल्लाह से इंशाल्लाह ताला बच्चे को पिलाने के बाद मुनीर भाई कह रहे हैं अगर खिलाई पिलाई अच्छी हुई तो 1 किलो भी भाई बकरी दूध इंशाल्लाह ताला देगी। मुनीर भाई क्या डिमांड है इसकी? पड़ेगी 90,000 रुपए की। ये देख ले भाई 90,000 में शौकीनों भाई आपको ये बकरी दे देंगे, लेकिन चड्डे का कोई जवाब नहीं है यार, बहुत बड़ा चड्डा है यार बकरी का माशाल्लाह से। अभी तो बच्चे भी देखे नीचे कितने एक्टिव हेल्दी हैं और किस तरीके से खेल रहे हैं बच्चे, देखे अगर एक्टिव हेल्दी है इसका मतलब बकरी दूध में अच्छी है, अगर बकरी दूध में अच्छी नहीं होगी तो बच्चे नीचे कमजोर से होंगे। ये देख ले यार कितने माशाल्लाह और कितने दिनों के इस टाइम पे, ये तकरीबन है हफ्ते से कम के ही है। ये देख ले भाई सुकून से, मतलब ये नहीं कि भाई घर पे जाके लेके जाने हैं बकरी को पकड़ते हैं फिर बच्चे दूध पियेंगे, नहीं, तरीके से सुकून से भाई खोल देना है, फीडिंग टाइम पे बकरी के बच्चे दूध पियेंगे, सुकून से बकरी बांध देनी है, खाना पीना इनका अच्छा रखना है, अच्छी बकरी है माशाल्लाह 90,000 रुपए बोले मुनीर भाई, 90,000 रुपए में शौकीन भाई आपके बकरी दे देंगे, मजीद माल भी दिखाता हूँ। एक और माशाल्लाह से भाई मैंने अबलग के अंदर बकरी निकलवा दी, और खूबसूरत बकरी यार देखे जो ब्राउन कलर है उसके अंदर आ रहा है अजरक प्रिंट, नस्ल में ये क्या कहलाएगी? नस्ल में पटेरी है, ब्रांड में अबलग है। ये देख ले भाई पटेरी नस्ल के अंदर है भाई, प्रिंट में अबलग है, दांतों में क्या स्टैम्प पे? ये 6 हो रही है, दांतों के अंदर छोरी है, मैं थोड़ा चला फिरा के भी दिखा दो, अच्छी बकरी है शौकीनों। एक बात ऐड करना चाहूंगा, माल सारा गारंटी वाला है आज भी? गारंटी गारंटी हम
अल्हम्दुलिल्लाह बोलेंगे भी नहीं, गारंटी फिर भी होगी। ये देखिए भाई, कोई चीज में ऐप नुक्स हो, पहली बात तो भाई देंगे नहीं। अगर भाई कोई चीज में ऐप नुक्स होता है, और भाई पंजाब साइड से जो वीडियोस देख रहे हैं, बिला झिझक होगी अकाउंट में पैसे लगाएं, कोई मसले की बात नहीं है। फ्रॉड नहीं होगा आपके साथ कि आपके पैसे दे के भाई गायब हो जाएंगे, नहीं भाई। इंशाल्लाह जो चीज बोलेंगे वही आपको भेजेंगे। मुनीर भाई क्या डिमांड है इसकी? ये सिर्फ 65,000। ये देखिए भाई, ये सिर्फ और सिर्फ शौकीनों भाई 65,000 में आपको बकरी दे देंगे, 10 से 15 दिन में बच्चे देगी मुनीर भाई, जबरदस्त होगा। ब्याज इसका कौन सा है? दूसरे ब्याज के अंदर है। अब देखें जो आपकी रेंज है, जिस रेंज में आपको माल चाहिए उस रेंज में मिलेगा। अक्सर लोग कहते हैं कि यार मुनीर भाई के रेट ज्यादा है, और मुनीर भाई ये बताएं, सबसे पहले ज्यादा डिमांड वाला ही माल बिकता है? बिकता ही ज्यादा डिमांड वाला, जो शौकीन है उनको पता है कि क्या चीज है क्या नहीं है। ये देख ले भाई, अच्छा चीज पालने वाले वो अच्छा रखते हैं, जो कम रेट वाला रखना चाहते हैं वो कम रेट वाला। यकीन करें, जब जब मैं मुनीर भाई की वीडियो डाल रहा हूँ ना, ये नीचे कॉमेंट आ रहे यार मुनीर भाई के रेट ज्यादा है, लेकिन आप यकीन माने कि जो सबसे ज्यादा हाई डिमांड वाली चीज होती है ना, सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह भाई वही जाती है। स्वादी भाई 3 बच्चों वाली लगाई थी, अभी तक उसके लिए काले आ रही है, पर नीचे कमेंट भी आए थे कि प्लाट मिल रहा है, कोई बोल रहा है बछड़ा मिल रहा है, पर यकीन माने बिकी भी वो पहले और उसके लिए अभी तक काले आ रही हैं। ये देख ले भाई, महीना हो गया उस बात 3 बच्चों वाली एक बकरी लगाई थी गालिबंद 1,70,000 रुपए की, 1,80,000 रुपए की लगाई थी। लोगों ने बोला मुनीर भाई इतने में तो प्लाट मिल जाएगा, किसी ने बोला इतने में तो भाई बड़ा जानवर मिल जाएगा, इतने में तो किसी ने बोला भाई मैं कुंवारा हूं मेरी तो शादी हो जाएगी इतने में तो। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह भाई वो बकरी सबसे पहले भी बिकी, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक उसके लिए कॉलें आ रही है। तो भाई ये होता है, ये भाई आपको कितने में दे देंगे? 65,000 रुपए में शौकीनों दे देंगे। देखिए भाई सिंपल सी बात की, कॉन्क्लूजन जैसी चीज होती है वैसे पैसे होते, जहां आपकी जेब इजाजत देती है वहां आप शौक करें। मजीद माल भी दिखाता हूं। एक और माचल से भाई मैंने बकरी निकलवा दी है, अबलग के अंदर आ रही है। मुनीर भाई क्या डिटेल है इसकी? स्वादी भाई ये भी माशाल्लाह बकरी दूध में अच्छी निकलेगी, क्योंकि इसका चड्डा बड़ा है, और ये भी माशाल्लाह दूध वाली नस्ल है, देसी नस्ल है। ये देख ले भाई दूध के अंदर शौकीन भाई अच्छी निकलेगी। दांतों में क्या और ब्याज कौन सा है बकरी का? दांतों में 4 ब्याज इसका, दूसरा है, और चड्डा माशाल्लाह आपको देख भाई चड्डा दिखा दे मुनीर भाई, थोड़ा चड्डा दिखा ही दे यार, क्योंकि शौकीन बोलते हैं। स्वादी भाई चड्डा भी दिखा दिया करो। और ये चड्डा है इसका, और ये अंदाजा दूध में कितनी होनी चाहिए बच्चे देने के बाद? को छोड़ दो किलो का, चलो अंदाजा लगा लेते हैं। वैसे तो चड्डा तो किलो से ऊपर ही बता रहा है, कम से कम एक टाइम का किलो तो देगी ना इंशाल्लाह। ये देख रहे भाई तकरीबन में 1 किलो का भाई, 1 टाइम का किलो देगी, हो सकता है ज्यादा भी दे दे, लेकिन कम से कम ही आपको बता रहे 10 से 15 दिन में बच्चे दे देगी। दांतों में 4 है जी हाँ, पक्की दांतों में पक्की 4 है, बिल्कुल जायज जायज पैसे भाई। ये बिल्कुल फाइनल पड़ेगी 80,000 रुपए। ये देख रहे भाई 80,000 रुपए में शौकीनों भाई आपको पड़ जाएगी अच्छी बकरियां। भाई चड्डे देख ले, अब मैं दिखाता हूँ आपको बकरी, बकरी का चड्डा खुद आप लोगों के सामने कर देंगे। चड्डा बड़ा है तो ये इसके अंदर दूध होगा ज्यादा इंशाल्लाह ताला भाई, लेकिन मुनीर भाई के बकौल के कम से कम अगर हम मरे से मरा 1 किलो भी लगा दे और 2 बच्चे डाल दे दिए, वैसे नस्ल में क्या कहलाएगी मुनीर भाई? ये देसी नस्ल बोलते हैं, देसी नस्ल। ये देख ले भाई अच्छी आप बकरी है भाई, जो भी अच्छा एक बात ऐड करना चाहूंगा, जो भी चीज समझ आए फौरी तौर पे टोकन लगा दिया करें, इंतजार ना किया करें। आप लोग क्या करते हैं, आप लोग बहुत बाद में कॉल करते हैं, माल बिक जाता है फिर आप लोग आगे से बोलते हैं झूठी वीडियो थी। जी हां बिल्कुल, अभी ये बकरी बिक जाएगी फिर कॉल करेंगे, फिर बोलेंगे यार ये आप तो ड्रामेबाजियां कर रहे हो। ये देख ले भाई सीधी बात है शौकीनों, माल अल्हम्दुलिल्लाह भाई वीडियो हर हफ्ते आ रही है, ड्रामेबाजियां ना काम है, जो बोलते हैं वही करते हैं। मजीद माल भी दिखा दो। और माशाल्लाह भाई काले अब्लग के अंदर मैंने बकरी निकलवा दी है, मुनीर भाई क्या डिटेल है इस बकरी की? साजी भाई ये भी जातन में, पर क्रास जातन में, प्योर में नहीं, जातन का क्रास है। ये देख ले भाई अभी आपको मैंने एक प्योर जातन दिखाई थी, ये भी जातन के अंदर ही है, लेकिन भाई ये क्रॉस के अंदर आ गई है। ये बताएं उम्र में कितनी है और कब भी आएगी? ये निकालेगी तकरीबन 15 दिन, दांतों में 4 हुई है। थोड़ा भाई चला मिला के भी माल को दिखा दो, अच्छी बकरी है भाई, जाहिर सी बात है शौकीनों भाई जो भी चीज देखे, जो क्रॉस होगी क्रॉस बताएंगे, जो प्योर होगी प्योर बताएंगे, सीधी बात है। अब इसको प्योर जाता इन्होंने नहीं बोला, बोला भाई क्रॉस के अंदर आ रही है, बिल्कुल जायज जायज पैसे। ये एक ही बात होगी 55,000 रुपए। ये देख ले भाई सिर्फ और सिर्फ शौकीनों भाई 55,000 रुपए में आपको ये बकरी दे देंगे, 10 से 15 दिन में बच्चे दे देगी, और मुझे उम्मीद है दूध में ये अच्छी आएगी। क्या कहते हैं मुनीर भाई? जबरदस्त हो गया भाई इंशाल्लाह भाई दूध है। क्या चीज? चड्डे की भी अच्छी है। चला भाई चड्डा भी थोड़ा दिखा दे मुनीर भाई, ताकि मैं भाई दिखा देता हूँ। अक्सर लोग कहते हैं सवाद भाई चड्डा लाजमी दिखा दिया करें, ये देखें और अभी तो और बनाएगी चड्डा, चड्डा को बनाएगी, जबरदस्त हो गया। चला फिरा के दिखा दो 55,000 रुपए में। देखें आज बकरियां माशाल्लाह 55 की भी है, 75 की भी है, 70 की भी है, आपकी जहाँ जी ज्यादा। अच्छा लोग बोलेंगे 30, 35, 40 वाला माल नहीं है यार, हम लाते क्वालिटी वाला माल, वो तो महंगा ही होता है आपको पता है, 30-40 में नहीं आता क्वालिटी। ठीक हो गया भाई 30-40 हज़ार में शौकीनों भाई क्वालिटी नहीं आती, सीधी बात है भाई। अच्छी बकरियां जंबो साइज की बकरियां, फिर जैसी चीज वैसे पैसे, हम जो समझदार है वो बंदा खरीद रहा है। मजीद माल भी दिखाता हूँ। तो कहते हैं सवादी में कुछ बच्चों वाली बकरी दिखा दो, माशाल्लाह मैंने जंबो साइज की बकरी निकलवा दी है 2 बच्चों के साथ, बच्चे नर मादे के मुनीर भाई, बच्चे सवादी भाई बच्चों के कान देंगे माशाल्लाह। ये देखिए थोड़ा खोले कान खोलेंगे सीधे, ये देखिए अभी माशाल्लाह भाई बच्चे और कान देख लें कहां पर माशाल्लाह से भाई आ रहे हैं, अल्लाह नजरे बस से बचाए। दांतों में क्या और ब्याज कौन सा था? दांतों में ये भी 6 होने पे ब्याज इसका दूसरा है, 2 नर बच्चे। ये
देख लिया भाई, दांतों में अच्छे होने पे भाई ब्याज माशाल्लाह से भाई दूसरे अच्छे बच्चे डाले, दूध में क्या है? दूध बच्चों का ही पूरा हो रहा है। सही हो गया, बिल्कुल जायज जायज। फाइनल लाख रुपए की पड़ेगी। सही हो गया, लाख रुपए का भाड़ा हल्का सा नीचे, सौ रुपया, दस रुपए कम, लेकिन कम हजार रुपए। चलो आप चले भाई, ठीक हो गया। बना लिए देखें भाई आपको भाई 99,000 रुपए में शौकीनों भाई ये बकरी दे देंगे दो बच्चों के साथ। अब देखिए, इससे पहले मैंने आपको 55 की दिखाई, ये 99 की बोली। तो देखिए कैमरे पे चीज का समझ नहीं आती, मैं हमेशा एक चीज कहता हूँ कि आप लोग मौके पर आके चीज को देख लिया करें, फिर फैसला किया करें, ताकि आप लोगों के जहन में जो शको शुबात होते ना, एक बकरी 55,000 की है, एक बकरी 99 की बोली, तो कुछ ना कुछ शौकीनों फर्क होता है। जिस बिना पे भाई ये कह रहे, चेहरा देख ले माशाल्लाह, कानों की लेंथ वगैरह देख ले, दूध में भाई आपको जैसे के बता दिए। और एक बात बताता हूँ, माल सारा अल्हम्दुलिल्लाह गारंटी वाला है मुनीर भाई, ऐसा ही गारंटी अपने हर चीज की मैं गारंटी दूंगा। ठीक हो गया भाई, हर चीज की भाई देखें, माल आपको साफ सुथरा और प्लस भाई गारंटी वाला माल दे रहे, सुकून वाली और पंजाब से ऐसे जो वीडियो देख रहे बिला जीजा को क्या अकाउंट में पैसे लगे, क्योंकि इनका भाई ज्यादातर जो माल है वो अल्हम्दुलिल्लाह भाई जाई पंजाब रहे। क्या कहते मुनीर भाई? बिल्कुल, ज्यादा माल जाता भी उधर है। जबरदस्त हो गया भाई, ठीक हो गया, मजीद माल भी दिखाता हूँ। एक और माशाल्लाह से भाई मैंने बकरी निकलवा दी मुनीर भाई, दांतों में क्या बकरी इस टाइम पे? दांतों में चार। और ब्याज कौन सा है? ब्याज इसका दूसरा। चले भाई दूसरे ब्याज के अंदर माशाल्लाह भाई दांतों के अंदर बकरी चार, जो भाई घुमा फिरा के भी दिखा दे। अब लग के अंदर आ रही है भाई, जो भी चीज समझ आए, अगर मैं कोई चीज भाई पूछने से भूल जाता हूँ तो आप लोग पूछ लिया करें। मुनीर भाई क्या डिमांड है इसकी? ये फाइनल 70,000 की। ये देखिए मतलब चला फिरा के दिखा दो फाइनल भाई आपको, ये शौकीनों 70,000 रुपए में दे देंगे। अच्छी माशाल्लाह भाई जंबो साइज की बकरी है। एक ही बात बोलूंगा भाई, कैमरे पे आपको छोटी चीज भी बड़ी और भाई बड़ी चीज भी छोटी नजर आ रही है, तो कोशिश करें मौके पर आए, चीज को देखें। और एक बात भाई, टोकन लगा दिया करें जो भी आपको चीज समझ आए। और ये बताएं रेट ये फाइनल होते हैं? रेट फाइनल। और दूसरी बात ये भी मैं बात कहने वाला था, जिसको चीज समझ में आ रही है पहले टोकन लगवाए, फिर रुकवा देते हैं, फिर ये जो ना पर कल के दिन पर बोलते हैं पैसे नहीं हो रहे हैं, तो ऐसा जबान पे नहीं रोकेंगे, नाराज नहीं। चले भाई ठीक हो गया भाई, जिसको भी चीज समझ आती है भाई फौरी तौर पे टोकन लगा दे, टोकन पे बात होगी, मुंह जबानी बात होगी, क्योंकि अक्सर ऐसा हो गया कि भाई ये मुंह जबानी रोक देते, लोग कहते हैं यार हम जबान के पक्के हैं, बिल्कुल ऑथेंटिक है, कोई मत नहीं, लेकिन बाद में फिर भाई मस्ते मसाइल हो जाते हैं इनके लिए भी और आपके लिए भी। क्या पैसे बोले आपने? 70,000 में शौकीन भाई आपको बकरी दे देंगे, मजीद माल भी दिखाता हूँ। एक और माशाल्लाह से भाई मैंने बकरियों की जोड़ी निकलवा दी है, माशाल्लाह माशाल्लाह नजरे बस से बचा है। इस बकरी में जो सबसे खास बात लगी दोस्त, इसका चेहरा इधर करना, ये देखिए माशाल्लाह भाई वन फेस के अंदर आ रही है। ऐसे तो डबल पासे के अंदर बहुत बकरियां दिखने के लिए, लेकिन ऐसे चेहरे भाई बहुत कम आते हैं। नस्ल में क्या कहलाएंगी मुनीर भाई? ये दोनों पटेरी में अबलग। ये देखिए पटेरी के अंदर माशाल्लाह से भाई अबलग है। दांतों में क्या इस टाइम पे? वो पक्की चार है, ये अनकरीब छह होने। ये देखिए भाई ये पक्की चार है, ये अनकरीब छोरी। थोड़ा चला फिरा के भी दिखा दो चीज को, शौकीन तसल्ली से चेक कर ले। माशाल्लाह भाई बड़ा पेट है मुनीर भाई, क्या कहते हैं तीन बच्चे होंगे इंशाल्लाह? बाकी अल्लाह देने। चले भाई ठीक हो गया भाई, सीधी बात है भाई, देखे हो सकता है तीन क्या चार भी दे दे, हो सकता है एक दे दे, बंद कमरा है कुछ। सही हो गया भाई, अच्छी बकरी लगा सकते हैं, बिल्कुल जायज जायज पैसे। भाई ये वाली 80 की पड़ेगी, वो वाली 65 की पड़ेगी। ये देख ले भाई, एक बकरी 65,000 रुपए में पड़ जाएगी, एक बकरी आपको पड़ जाएगी 80,000 रुपए में। अब देखिए बकरियां तो दोनों बकरियां हैं, लेकिन एक 65 बोल ले, एक 80 बोल ले। अगर इनकी में अलग अलग बनाता ना तो लोगों के लिए एक ही होती, ये बोलते 65 की 80 की दे रहा है, अभी इसलिए इकट्ठे बना रहा हूँ तो लोगों को फर्क नजर आ जाए। चले भाई देख लें, अब एक बकरी 65,000 रुपए की है, एक बकरी 80,000 रुपए की है, रेटों में काफी फर्क है। बकरी आप लोगों के सामने, आप लोग बोल लेंगे यार ये 65 की, ये 80 में, जब आप रियल में देखेंगे ना तो चीज में फर्क होता है। अगर रेटों में फर्क है, इसमें नहीं, आप कोई भी कपड़ा भी लेने चले जाए कुछ भी, जहाँ रेटों वह क्वालिटी में फर्क आता है। सही हो गया भाई, देखिए वहां पर क्वालिटी में फर्क आता है भाई, 10 से 15 दिन में बच्चे देने, दूसरों का दूसरा दूसरा ब्याज है। जी हाँ दोनों का ब्याज नहीं, इसका स्वादी भाई लग पेला रहा है, बाकी कुछ कह नहीं सकते, ठंड बढ़े सही चड्डे के हिसाब से पहली लग रही है। चले भाई ठीक हो गया, बराल भाई बेहतरीन हो गया, यानी भाई पहला लग रहा है लेकिन कह नहीं सकते, पक्का हो सकता है दूसरा भी हो, लेकिन इसका तो माशाल्लाह से भाई दूसरा मजीद माल भी दिखाता हूँ। एक और माशाल्लाह भाई मैंने बकरी निकलवा दी, सबसे पहले बताए नस्ल में क्या है, दांतों में क्या है, ब्याज कौन सा है? ब्याज दूसरा है, दांतों में छह, नस्ल पटेरी। जी देख ले भाई, तीन चीजें भाई मैंने पूछ ली एक साथ ही, दांतों में क्या है, ब्याज कौन सा है, नस्ल में क्या है। अब अगला सवाल आप लोग कहते हैं समाज में दूध का किया करें, उस पे मुनीर भाई कहते हैं भाई खिलाई पिलाई के ऊपर है। सही है भाई, खिलाई के ऊपर है ना, ऐसे तो दूध बकरी नहीं देगी। सही हो गया भाई, देखिए अभी हालांकि एक बात, एक मिनट ये देख ले भाई, कॉलें अभी भी आ रही हैं। और ये देखिए ये माशाल्लाह ट्रस्ट लेवल है, लोग बोलते हैं वीडियो डालने से पहले हमें यार माल भेज दो ताकि हम परचेज कर लें, तो भाई फिर जो बेचारे वेटिंग पर होते हैं उनका। मुनीर भाई क्या डिमांड है इसकी? ये फाइनल 60,000 की पड़ेगी। ये देखिए भाई 60,000 रुपए में शौकीनों भाई आपको बकरी दे दो भाई, चला फिरा के भी दिखा दो, दांत भी पूछ लेता हूँ शौकीनों, नस्ल भी पूछ लेता हूँ आप लोगों के लिए, और कितने टाइम में बच्चे देगी वो भी पूछ लेता हूँ, दूध का पूछता हूँ। तो हमेशा ये कहते हैं खिलाई पिलाई, खिलाई पिलाई के हवाले से वनडे वाले का नंबर मैंने चलाया हुआ है, रब्ता करें दूध में इंशाल्लाह ताला भाई बॉय आपको अच्छा खासा फर्क नजर आएगा। अभी भी देखिए भाई उनकी कॉलें रुक नहीं रही। अच्छा मुनीर भाई ये आप कितने में बोली? 60,000 रुपए में। जी हाँ।
अच्छा मुनीर भाई, आज आप हर वीडियो के अंदर बकरे दिखाते हैं, आज बकरे नहीं है क्या? बकरे भी दिखाएंगे, आपको पता है बकरे एंड में आते हैं। अच्छा बकरे भी दिखाएंगे, चलें शौकीन कुछ बकरों का भी शौक करवाता हूँ। एक और माशाल्लाह भाई, दो बकरों की मैंने जोड़ी निकलवा दी है। अक्सर लोग भाई अभी भी यकीन माने, लोग ऐसे हैं जो भाई बकरियों के साथ नीचे बच्चे मांग रहे होते, लेकिन मुनीर भाई नहीं, बच्चे नहीं देते। तो भाई आप लोगों के लिए जो कहते हैं सवादी भाई, जो नीचे इनकी ब्रीड आएगा मैं वाले बच्चे दिखा दे। तो माशाल्लाह भाई अच्छे बच्चे आए हैं, कामूरे के अंदर कान वगैरह देखने, चेहरे वगैरह देखने। उम्रों में कितने? ये 7-7 महीने के। ये देख ले भाई, ये भी 7 माह का है, और ये वाला ये भी सात माह का है। ये बताए क्या डिमांड है इनकी? सवादी भाई वो 50 का देना है फाइनल, ये देना 60,000। ये देख ले भाई, 50,000 रुपए शौकीन आपको ये दे देंगे, 60,000 रुपए में दे देंगे। थोड़ा कानों की लेंथ दिखाना दोस्त इनकी। एक नंबर बीच के बच्चे माशाल्लाह, एक नंबर चेहरा देखे ना। ये देख ले भाई, और ये क्या कहते हैं, ब्रीडर अच्छे बन जाएंगे, एक नंबर ब्रीडर बनेंगे। जबरदस्त छोड़ भी दे, चला फिरा के भी दिखाते। मतलब अगर कोई कुर्बानी के लिए भी यार अगर तैयार करवाना चाहता है तो माशाल्लाह भाई कुर्बानी के लिए भी अच्छे तैयार हो जाएंगे। एक आपने कितने पैसे बोले? 50-60। ये देख ले, एक 50,000 में दे देंगे, एक 60,000 में दे देंगे। अच्छे बच्चे भाई, एक नंबर बीच के कामूरे के अंदर है। और भाई जो भी चीज समझ आती है स्क्रीनशॉट भेज देना है। और एक बात ऐड करना चाहूंगा, पंजाब साइड से जो भाई वीडियोस देख रहे हैं बिला जीजा को के अकाउंट में पैसे लगा देने, कोई मसले की बात नहीं। मुनीर भाई अब किस चीज का शौक करवा रहे हैं? जो एक जोड़ी है पटेरों का वो भी आपको दिखा। चले शौकीनो, अब माशाल्लाह से भाई कामूरे के बाद पटेरों की जोड़ी का शौक करवा दूं। तो भाई कामूरे के बाद माशाल्लाह भाई दो मैंने पटेरे के अंदर जोड़ी निकलवा दी। मुनीर भाई क्या डिटेल है इनकी? साथी भाई वो 7 महीने का है, ये 5 महीने का है। ये देख ले, ये माशाल्लाह भाई 5 महीने का है, ये वाला बच्चा भाई 7 महीने का, मतलब भाई कुर्बानी पे लगेगा। मुनीर भाई बिल्कुल जायज जायज पैसे। ये स्वादी भाई 30 का पड़ेगा, वो 45 का पड़ेगा। जोड़ी का कट्ठे वीडियो बनाने का मकसद ये कि दो फर्क नजर आए जो देखने वाले उनको। सही हो गया भाई, ये 45,000 रुपए में पड़ जाएगा, और ये वाला कितने में? ये 30,000 का, वो 45,000। ये देख ले भाई, ये 45 में पड़ जाएगा, ये शौकीनों भाई आपको 30,000 रुपए का पड़ जाएगा। अब देखिए नस्ल में भी दोनों सेम है, कलर में भी दोनों सेम है, रेट में थोड़ा फर्क आया, चीज में फर्क है, शायद कैमरे पे आप लोग भाई देख रहे हो, ये चीज कुछ अलग है, ये चीज माशाल्लाह से कुछ अलग है, बेहतर हो गया भाई। जो भी चीज समझ आती है शौकीनों स्क्रीनशॉट भेजना है। अच्छे चेहरे के भाई पटेरी नस्ल सिंध की। अच्छा ये प्योर पटेरे के अंदर है? जी हाँ, ये अबलक में आ रहा है, वो पटेरे में आ रहा है। ये देख ले भाई जबरदस्त हो गया भाई, जो पटेरों का कलर होता है ये अबलक के अंदर आ रहा है, ये तो भाई जैसे पटेरों का पैटर्न होता है उसी के अंदर है। मुनीर भाई अब किस चीज का शौक करवा रहे हैं? अब इंशाल्लाह अगले हफ्ते। चले शौकीनों मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, सवाद की इजाजत, अल्लाह हाफिज़।